19 मार्च साल 2017 यही वो तारीख थी जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इतिहास रच दिया था और पहली बार प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी का कोई नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा था, जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। विधानसभा चुनाव में सपा, बसपा, कांग्रेस जैसी पार्टियों को पूरी तरह से मात देकर बीजेपी ने सत्ता तो हासिल कर ली और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन गए। लेकिन योगी के शपथ ग्रहण से पहले यूपी का मुख्यमंत्री बनने के लिए चर्चाएं किसी और के नाम की चल रही थी, जिनका नाम है मनोज सिन्हा। गाजीपुर लोकसभा सीट से साल 2014 में चुनाव जीतकर सांसद बने मनोज सिन्हा को इस जीत के बाद मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री बनाया गया था। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि यूपी की राजनीति में उनका कितना भौकाल हुआ करता था। यही वजह है कि जब साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला तो यूपी के मुख्यमंत्री पद के लिए मनोज सिन्हा के नाम की जोर शोर से चर्चाएं होने लगी कि तभी उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष रहे अमित शाह का एक फोन आया और सभी चर्चाओं पर लगाम लग गई। आखिर अमित शाह ने मनोज सिन्हा से ऐसा क्या कहा था कि उन्हें खुद मुख्यमंत्री बनने की चर्चाओं पर लगाम लगानी पड़ी, इस बात का खुलासा अब जाकर करीब 6 साल बाद हुआ है, जब खुद मनोज सिन्हा ने ललन टॉप को दिए एक इंटरव्यू में 2017 की बातों पर तगड़ा खुलासा किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे यूपी के बड़े नेता मनोज सिन्हा ने मुख्यमंत्री बनने के लिए खुद के नाम पर चली साल 2017 की चर्चाओं पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि ये मीडिया में ज्यादा चर्चा थी। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मुझे किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने नहीं कहा था कि आपका नाम चल रहा है। जिम्मेदार माने पार्टी अध्यक्ष तत्कालीन के नाते अमित शाह जी, प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी जी। मीडिया में मैं भी सुन रहा था, कई सांसद, कई पदाधिकारी कहते थे कि आपका नाम है, लेकिन मुझे राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता ने ये बात नहीं कही थी। चुनावी नतीजों के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास पीएम मोदी या अमित शाह का कोई फोन नहीं आया था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद यूपी में इस बात की चर्चाएं जोर शोर से होने लगी कि मनोज सिन्हा ही यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। इन चर्चाओं के बीच मनोज सिन्हा बनारस दौरे पर गए थे, जिसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, दरअसल हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, उनकी माँ का निधन चुनाव के दौरान हो गया था, उनकी 13 थी और मैंने तय किया था कि किसी भी परिस्थिति में मैं जाऊंगा। मैं दिल्ली से निकला, मैं गया था उस कार्यक्रम के लिए, लेकिन नियम था कि शनिवार को अगर मैं बनारस पहुंच रहा हूं तो कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि संकट मोचन में दर्शन न किया हो, और वो घटनाक्रम ऐसा हुआ कि मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा तो प्रशासन के बड़े अधिकारी, सामान्य रूप से काफी जनता, मीडिया की चर्चा के कारण बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। मैं गया, रात को रुका, सुबह विचार यही था कि दर्शन करके भानु सिंह जी के घर जाना है। मैंने दर्शन किया, जब मैं काल भैरव में था तो मीडिया के कई साथी वहाँ थे, पूछ रहे थे, चला रहे थे। फिर मैं भानु प्रताप सिंह के घर गया तो वहाँ भी भीड़ थी, मीडिया की खबरों के कारण थी। मुझे लगा कि अब ये उचित नहीं है, मैं वहाँ से जल्दी वापस आकर दिल्ली जाने लगा। साल 2017 के यूपी चुनाव के दौरान बनारस बीजेपी के अध्यक्ष रहे भानु प्रताप सिंह के घर भारी भीड़ जमा होने की वजह से मनोज सिन्हा जल्द ही वहां से निकल गए और दिल्ली जाने लगे कि इसी बीच तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का फोन आ गया और इस फोन के बाद ही मनोज सिन्हा के नाम की चर्चाएं काफी हद तक थम गई थी। इस फोन कॉल के दौरान अमित शाह ने क्या कहा था, इस बारे में मनोज सिन्हा से जानिए। मैं दिल्ली जा रहा था और रास्ते में था कि तभी अमित शाह जी का फोन आया कि मनोज जी, ये टेलीविजन पर बहुत चल रहा है, आपको किसी ने कुछ कहा है? मैंने कहा कि नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए ये। फिर मैंने खुद ही एक दो पत्रकारों को फोन कर कहा कि ये निरर्थक बातें चल रही हैं और मैं इसमें दावेदार नहीं हूँ। वो खबर चली और मैं दिल्ली चला आया।
तो कुछ इस तरह से साल 2017 के चुनावी नतीजों के बाद यूपी का मुख्यमंत्री बनने के लिए मनोज सिन्हा के नाम की सिर्फ चर्चाएं ही चली, मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और अमित शाह के एक फोन के बाद सीएम बनने की चर्चाओं पर भी लगाम लग गई। और 19 मार्च साल 2017 के दिन राजधानी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अगले 5 साल तक ऐसा काम किया कि साल 2022 के यूपी चुनाव में एक बार फिर बीजेपी सत्ता में लौट आई और योगी दोबारा मुख्यमंत्री बने। ऐसे मनोज सिन्हा के बजाय योगी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।